नमस्कार, आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल मरीज अब 1397 हो गए हैं। जी हां, लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1238 है और 1397 अब तक केसेस यहां पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 123 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव बात है ये भी आपको समझने और जानने की जरूरत है। और कोरोना से 35 लोगों की मौत आंटी है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि आप कुछ दिन अब मत आना। कई लोग इसमें ठीक भी हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे आंटी खाना। और आप भी हाँ, घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 73 तक जा पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आंकड़ा आपको बता दें महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में 47 मरीज सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज का जो मामला है उसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक को बताया कि दिल्ली के मरकज से 2300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली अभी स्टेज 2 में है, इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। कल जो मरकज में हुआ, अब उसके बाद एक डर ये भी है कि क्या ऐसे कई क्लस्टर हैं दिल्ली में। तो फिलहाल कोरोना की स्थिति राजधानी में कैसी है? देखिएगा, मैं पहले मरकज का बता देता हूँ। पिछले 3 दिन के अंदर 2355 2355 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 450 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है, बाकी सबको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। और यहाँ के 24 लोग पॉजिटिव अभी तक निकल चुके हैं, और ये बहुत ही ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ है कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में, लगभग देखो 2300 से ज़्यादा लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत था। और उसमें से काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन है, इसका ठीक से पालन कीजिएगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता और ये पूरे देश पूरी दिल्ली में घूम रहे होते बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अभी ऐसे कितने और क्लस्टर आपको लगता है राजधानी में होंगे? ये तो ये मामला सामने आया, क्या कुछ और क्लस्टर मिलने की संभावना है? आंटी को मैंने मना कर दिया आने के लिए। आपको लग रहा है इसका संक्रमण हाँ, और ये मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और तू भी कुछ दिन अब घर में ही रहे, ठीक है? जो भी सामान है एक साथ ला के रख दे। तेलंगाना का पढ़ रहे हैं अखबार में कि तेलंगाना के अंदर कुछ थे, तमिलनाडु में फ्रूट काट के रखे तेरे लिए, तो खा लेना। जैसे राज्य में गए जरूर है, फ्रूट रखे हैं। अभी जो संख्या है, क्या आप इसे माने कि ये कंट्रोल पोजीशन में है, स्थिति नियंत्रण में? वहाँ के सभी लोगों को हमने निकाल लिया है वहाँ पर जो थे, अब वहाँ से बाहर फैलने के चांस नहीं है। पर जो अगर पहले निकल के दूसरे राज्यों में जा चुके हैं या दूसरी जगह पर जा चुके हैं, तो जरूर फैलेगा। जो स्थिति हम जिसे कहते हैं स्टेज 2 स्टेज 3, दिल्ली फिलहाल कहाँ खड़ी है? दिल्ली और देश अभी तक तो स्टेज 2 पर है। अगर यही लगता है कि शायद लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो फेज 3 में पहुंच जाते, ये कह रहे हैं। सुन राहुल, कुछ दिन घर में ही रहो, ठीक है? हर माहौल बहुत खराब हो रहा है, और प्रीति को भी बोल घर में रहने के लिए, बाद में मिल लेना आराम से जितना मिलना है। जी भैया, से जुड़ रहे हैं रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़ रहे हैं, और हमारे संवाददाता तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों से अभिषेक। डेफिनेटली आई विल सबमिट द ऑल डिटेल्स। या मिस्टर रोहित, जस्ट अ मिनट। Yeah, please check your mail. No, Mr. Rohit. Yeah, everything's fine. Mr. Rohit, give me just 2 minutes, huh? I'll just come back. Yeah, thank you so much. क्या हुआ? पता है ना, क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूं, इशारे पे इशारे कर रहा है, रुक नहीं सकता 2 मिनट। बोल भैया, वो मैं ना बाहर सामान लेने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा था आप लॉक कर लो। डोर लॉक करके नहीं जा सकता? और सुन, तेरे को मना किया ना मैंने बाहर जाने के लिए, फिर तो बाहर जा रहा है। मैं नीचे की दुकान में जा रहा हूँ।
सामान लेके आ रही हूँ। मास्क लगा के जाना। ठीक है भैया। राहुल, राहुल, कहाँ चला गया राहुल? फिर चला गया। राहुल, तू है क्या? जी भैया, मैं हूं। पागल हो गया भैया? हर दो मिनट में बाहर चला जाता है। गवर्नमेंट मना कर रही है तेरे को, बार बार बोल रही है नहीं जाना घर से बाहर, नहीं जाना, तो फिर से चला जाता है। भैया मैं नीचे सामान लेने गया था ना। कुछ दिन दूध ब्रेड नहीं खाएगा, कुछ हो जाएगा क्या? और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन नंबर दिया, ऑनलाइन नंबर पे कॉल कर कुछ भी ऑर्डर करो, मंगा घर में। ऑनलाइन कैसा देंगे सामान? दूध की थैली को फाड़ेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, फिर चिपका देंगे, फिर तेरे को देंगे, है ना? ऑनलाइन बात करता है भाई, मत जाया कर बाहर, समझ ले कुछ दिनों की बात है। ठीक है भैया, मैं आगे से नहीं जाऊं। भैया वो प्रिया की ना थोड़ी तबीयत खराब है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। क्या हुआ उसे? ठीक है भैया, वो कल नहा रही थी, नहाते नहाते उसका ना पैर स्लिप हो गया, तो उसके पैर में ना मोच आ गई है, मैं उससे एक बार मिलकर आ जाऊँ। मोच आ गई? एक काम कर तू, हाँ तू जा और थोड़ा आराम से जाना। हाँ भैया, ठीक है भैया। फोन कर, हाँ प्रिया, पृथ्वी बोल रहा हूँ। राहुल बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब फिसल गई थी तुम, मोच आई है। क्या ठीक हो? नहीं 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 नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनो, राहुल को मत बताना कि मेरा फोन था। ओके सीन क्या है? ये सिगरेट पीने तो नहीं जाता बाहर? मुझे तो बता नहीं सकता। आज पता करता हूँ ये जाता कहाँ है। Thank you.
हूँ।